मोटरसाइकिल में पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे बनकर एक एजेंडा तय करें 2024, और उसके बाद सेकुलर पार्टी के लोग जिस तरीके से मजे ले रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो कि एक बार ना तो दिल्ली पर बोला ना मुजफ्फरपुर पे, तो ये हालात अच्छे नहीं हैं। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा मुसलमान भाइयों को कि उन्होंने नफरत को प्रेम से खत्म करने की भरपूर ताकत दिखाई है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतनी बड़ी घटना को मुसलमान भाइयों के पेशेंस ने, उनको जो सहने की ताकत दी है, उन्होंने मुल्क को, संविधान को और लोकतंत्र की हिफाजत करने में कोई कसर बाकी नहीं। गरीबों के लिए जीना, आम आदमी के लिए त्याग, एक ऐसा पर्व जो हमें सबके साथ जीने, चलने और उसके होने की ताकत देता है। खुद के गुनाह को खत्म कर एक नए व्यक्ति के रूप में अल्लाह ताला हमें सिखाता है कि तुम जितना भी नफरत कर लो, मैं सच्चाई, विश्वास, प्रेम के रास्ते पे चलूंगा। मैं अल्लाह के बंदे के रूप में काम करूंगा। नफरत पैदा तो की ही गई रमजान के ही समय है। राम को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, और आज 3 सालों से 2024 की तैयारी रामनवमी के नाम पर नफरत पैदा करने की कोशिश मुजफ्फरपुर में, कहां चले गए वो सेकुलर पार्टी जिन्होंने तो एक बार ट्वीट तक नहीं किया कि बहुसंख्यक का वोट उन्हें ना मिले। यदि मैं एक बार कुछ बोल दूं तो क्यों नहीं गए मुजफ्फरपुर, देख लेते, चले जाते झारखंड, चले जाते मध्य प्रदेश। यह बात मैंने 20-25 दिन पहले ही कही थी, ये 2024 का यह साल रिहर्सल होगा और 2023 रामनवमी के नाम पर कत्लेआम होगा। आप इसको लिख लें, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप लाल से केसरिया ले आए, हनुमान की जगह राम ले आए, जामबंद शत्रुघ्न। छोटा वाला दो प्लेट, हाँ दो। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।